चलो बच्चे आज का क्लास स्टार्ट करते हैं लास्ट क्लासेज की जो डिस्कशंस हो रही थी उनमें हमने मॉलिक्यूल्स तक कंप्लीट कर ली है सारी चीजें है ना और अब हम लोगों को चैप्टर के अगले पार्ट में पहुंचना है जहां हमें डिस्कस करना है आयंस के बारे में अब इसके पहले मैं स्टार्ट करूं कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाओ मतलब कमेंट बॉक्स में लिखो दो चीजें आपके स्क्रीन पर व्हाइट बोर्ड विजिबल है कि नहीं यस और नो सेकंड अगर व्हाइट बोर्ड विजिबल है तो मेरी आवाज क्लियर है कि नहीं या मैं थोड़ा और जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलू जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में डालो कितना है तुम लोग खो जल्दी सचेतन विजिबल है स्क्रीन टाइप करके भेजो टाइप करके ओके चलो तो जो टॉपिक हमें स्टार्ट करनी है वो है है ना अब अगर बच्चे इसके पहले की बातें करें वी वी एटम्स मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स तक आते-आते हमने समझा कि एटम हर बार अपने स्मॉलेस्ट फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं समटाइम्स वो क्या करते हैं अपने ही टाइप के एटम्स के साथ केमिकल बॉन्ड बनाते हैं या किसी दूसरे टाइप के एटम के साथ दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ केमिकल बॉन्ड बनाते हैं और इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स वो स्टे करते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं है ना यहाँ पे जो बॉन्ड्स बन रही थी वो बॉन्ड्स बन रही थी थ्रू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना बट अब आते हैं हम लोग आयंस के बारे में अब हमें ये समझना होगा कि आयंस हैं क्या है ना बेसिकली दार्ज्ड एटमिक पार्टिकल्स आय दार्ट ऑफ एटम दट आर चार्ज और दैट है ठीक है इसको ऐसे लिख सकते हैं चार्ज पॉजिटिवली और निगेटिवली मैं कर लेंगे हम लोग यहाँ पे एटम इज नॉन एज आयन है ना ऐसा एटम जो चार्ज हो पे पॉजिटिव चार्ज दिख रहा हो या फिर निगेटिव चार्ज दिख रहा हो वैसे एटम को हम लोग क्या कहते हैं आयन कहते हैं ठीक है अभी तुमको यह समझना होगा कि जो आयन हैं वो दो टाइप्स के हैं जो पहली टाइप है दैट इज नॉन एज कटायन ठीक है एंड द सेकेंड वन इज अनायन कटायन क्या है बच्चे वैसा चार्ज पार्टिकल जिसपे वैसा आटम जिस जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो उसको हम लोग कहते हैं कटा और वैसा चार्ज पार्टिकल जिसमें नेगेटिव चार्ज हो उसको हम लोग अनायन कहते हैं ठीक है ये समझना बाकी पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है नेगेटिव चार्ज क्यों आता है वो सारी चीज हम लोग समझेंगे अभी आगे ठीक है अब इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्यों आते हैं मुझे एक बात बताओ कि किसी भी एटम में कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उनकी संख्या कैसी होती है वो दोनों बराबर होते हैं या दोनों में कुछ अंतर होता है टाइप करके लिखो टाइप करके कमेंट में चैट बॉक्स में बताओ

वो अलग अलग होता है यानी एटम कम ऐटम में इलेक्ट्रॉन कम हो सकता है प्रोटॉन ज्यादा हो सकता है या प्रोटॉन कम हो सकता है इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो सकता है किस टाइप की सिनेरियो होती है क्या होता है बताइए चलो ध्यान दो सब भ कर तुम लोग पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहा सो so, जनरली होता क्या है इक्वल होता है यस इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन इट देखो राइटिंग को थोड़ा इग्नोर करना है ना थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहे हैं एटम के एटम के अंदर जनरली जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं वो इक्वल होता है देखो मैं लिख सकता हूं बट वो टाइम टेकिंग हो जाएगा फिर थोड़ा सा ठीक है देखो तो, तो ये वाला ठीक है चलो तो क्या लिखा है मैंने कि एटम जो है किसी भी रीजन से इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो कुछ चार्जेस आते हैं और ये जब चार्ज आता है देन वी से दैट चलो हम तुम लोग का कष्ट दूर किया देते हैं टेंशन नहीं का ठीक है हम लिखते रहे नॉर्मली उसको अच्छे से फिर से कि है एटम जब इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उस पर कुछ चार्ज लगता है नाउ दिस चार्ज कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव है ना ये चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है अब कौन सा चार्ज कब आएगा पॉजिटिव चार्ज कब आएगी नेगेटिव चार्ज कब आएगी इसको हम लोग समझते हैं ना और जैसे हम लोग समझेंगे तो हम लोग ये भी समझ जाएंगे कि कटायन कब बनता है अनायन कब बनता है ठीक है तो टॉपिक वही डालेंगे हम लोग कटायंस कटायंस यानी कि पॉजिटिवली बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें है ना उधर इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़ रहे थे आप तो उधर आपने कैथोड पढ़ा था और कैथोड वाज व्हाट नेगेटिवली चार्ज्ड यहां मिलता जुलता एक वर्ड आया चार्ज से रिलेटेड आया तो सोचा था सी से कैथोड नेगेटिवली सी से कटायन नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा बट यहाँ उल्टा हो जाता है कटायन इज पॉजिटिवली चार्ज तो इसको ऐसे याद रखना जिस पे कट का साइन है वो कटायन है ठीक है याद रह जाएगा जिस पे कट का साइन है वो कटायन है बाकी जो बच गया एक वो अनायन है सो कटायन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन्स फॉर्म कैसे होते हैं आर। इसको ना जब आप कॉपी में नोट करना तो इसको अच्छे से मतलब पी ओ एस आई टी आई वी एल वाई करके लिखना पॉजिटिवली आयन है पहली पॉइंट हो गई। आज बर्दाश्त नहीं हो रहा है तुम लोग से है ना ये आज म्यूट कर दिए है यहाँ सारी चीजें टाइप कर रही पड़ रही है कुछ कमेंट्स तो हम पढ़ेंगे भी नहीं अब तुम लोग के सो so, कट आंसर पॉजिटिवली चार्ज आयन नेक्स्ट क्या है ये फॉर्म तब होते हैं जब एटम क्या करता है इलेक्ट्रॉन लूज करता है या इलेक्ट्रॉन गेन करता है सिर्फ ये जब बताओ इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब कटायन बनेगा जब जब अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है तब जाके कैटायंस की फॉर्मेशन होती है ठीक है जैसे देखो एक है हमारे पास मेटल है ना जिसका नाम है सोडियम लैटिन नेम है सोडियम अब ये जो हमारा मे, आ, मेटल है जरा मुझे बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें टेबल में अगर आपने याद किया होगा इसको तो एटॉमिक नंबर इसकी आती है इलेवन और हम लोग जानते हैं कि एटॉमिक नंबर जो है वो किसी भी न्यूट्रल एटम में उसके इलेक्ट्रॉन्स को भी दिखाती है प्रोटॉन्स तो दिखाती ही है सो so, जब तक सोडियम अपने न्यूट्रल स्टेट में है तब तक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इलेवन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल ऑल्सो भी इलेवन सोडियम न्यूट्रल है अब ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बच्चे इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें जो मैंने आपको सिखा रखा है ऑलरेडी तो ये इस तरीके से आएगा टू एट वन है ना अगर मैं इसको ऐसे बना लूं हालांकि ये पढ़ना आपको चैप्टर फोर में है बट चूंकि हमने डिस्कस कर रखा है पहले तो ये इजी रहेगा आपके लिए पहले ऑर्बिट पे दो इलेक्ट्रॉन्स रहने वाले हैं सेकेंड ऑर्बिट पे आठ इलेक्ट्रॉन्स रहने वाले हैं एंड थर्ड ऑर्बिट पे एक इलेक्ट्रॉन नो वी नो वेरी सिंपल थिंग भाई स्टेबिलिटी गेन करनी है किसी भी मेटल को तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे उसके पास आठ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ये तो याद है ना सभी को कि स्टेबिलिटी गेन करनी है तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे आठ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या इसमें भी कोई कंफ्यूजन टाइप yes, no, करो चार। तो यहां इस कंडीशन में क्या है तीसरी ऑर्बिट जो है वो सोडियम की आउटर मोस्ट ऑर्बिट है और इस तीसरी ऑर्बिट पे इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है अब कर क्या सकता है सोडियम कि सात इलेक्ट्रॉन्स को ये ढूंढे कहीं कहीं से है ना और सात इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे या फिर क्या कर सकता है कि अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे अपना एक इलेक्ट्रॉन बच्चे लूज करेगा तो क्या होगा ये जो थर्ड ऑर्बिट है ये खत्म हो जाएगी बच जाएगी बच सेकंड सेकंड ऑर्बिट ऑर्बिट ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन तो सोडियम स्टेबल हो जाएगा एनर्जी वाइज बात करो ज्यादा इजी कौन सा होगा किस एनर्जी स्टेट तक सोडियम पहले पहुंचेगा तब इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के स्टेट तक या एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने के स्टेट तक इज वेरी सिंपल एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना ऑन द बेसिस ऑफ द एनर्जी यह आसान होगा सो सोडियम या सोडियम के जैसे कुछ और मेटल्स हैं हमारे पास वो मेटल क्या करते हैं अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे जो उनका एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उनको लूज कर देते हैं और जैसे ही उन्होंने एक या दो इलेक्ट्रॉन लूज किया अभी देखो दोबारा आते हैं सोडियम जैसे ही एक या दो इलेक्ट्रॉन लूज किया ये बना आयन पॉजिटिव चार्ज क्यों लगा इसको ऐसे समझो कि पहले क्या था 11 इलेक्ट्रॉन था एक लूज कर दिया कितना बच गया इसके पास 10 ठीक प्रोटॉन कितने हैं 11 प्रोटॉन लूज किया नहीं है तो प्रोटॉन अभी भी कितने हो जाएंगे 11 है ना पहले की कंडीशन में क्या हो रहा था यहाँ पे कि यहाँ नेगेटिव भी 11 पॉजिटिव भी 11 तो कट कुट का सब जीरो हो जा रहा था एटम जो था वो न्यूट्रल रह जा रहा था अब का क्या कंडीशन है कि दस प्रोटॉन से दस इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइज होगा चार्जेस बैलेंस हो जाएंगे एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा है ना तो वो ये एक पॉजिटिव चार्ज जो है वो आपको सोडियम पे दिखता रह जाएगा है ना सो so, इस तरीके से कटाइन का फॉर्मेशन होता है जिस तरीके से सोडियम का फॉर्मेशन हुआ उसी तरीके से लिथियम का फॉर्मेशन होता है ठीक है मैग्नीशियम एल्युमिनियम में भी चीजें सेम है बट वहां पे क्या है कि मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन ना लूज करके दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है क्योंकि उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे दो इलेक्ट्रॉन है एल्युमिनियम तीन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ठीक है क्योंकि करना कंडीशन क्या है उसके साथ या तो तीन इलेक्ट्रॉन वो लूज कर दे या फिर पांच इलेक्ट्रॉन लेके आए वो पांच इलेक्ट्रॉन गेन करे तो आप समझ रहे हो तीन इलेक्ट्रॉन लूज करना इज इजी तीन इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वो और अपनी स्टेबिलिटी को गेन करते हैं अब देखो एक बात समझनी है कि ऐसा नहीं होता कि सोडियम रैंडमली अपना एक इलेक्ट्रॉन फेंक दिया उसका एक इलेक्ट्रॉन जिंदा रहा मर गया है ना आवारा बन के रोड पे सड़कों पे गलियों में घूम रहा सोडियम को कोई मतलब नहीं है ऐसा देर इज अ पर्टिकुलर कंडीशन और उस कंडीशन में आने के बाद ही सोडियम हो लिथियम हो कोई भी मेटल हो जिसको इलेक्ट्रॉन लूज करना है वो लूज करता है ठीक है वो कंडीशंस कौन सी हैं उसको समझने के पहले आपको समझना होगा अनायंस के बारे में ठीक है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अनायंस को समझते हैं कि अनायंस क्या है सो so, अनायन इज नेगेटिवली चार्ज आयन लिख देते हैं यहां पे हम एक तो अनायन इज कैसा होता है मतलब कब होता है अनायन आर फॉर्म्ड व्हेन एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन जब उसको इलेक्ट्रॉन मिलता है जब इलेक्ट्रॉन वो गेन करते हैं तब जाके अनायन का फॉर्मेशन होता है अनायन इज निगेटिवली चार्ज आयन अब इसको कैसे समझते हैं बच्चे इसको एक एग्जांपल ले लेते हैं आ, एक एक बता दो एक अनायन का एग्जांपल बता दो मैं क्लोरीन सोच रहा हूँ इफ यू वांट टू प्रोसीड विथ क्लोरीन ठीक है अदरवाइज कमेंट में डालो कोई और जल्दी जल्दी लिखो आलसी बच्चा सब चलो क्लोरीन से प्रोसीड करते हैं क्लोरीन के साथ प्रोसीड करते हैं हम तो सो हमारे पास एक भाई साहब है नाम है इनका क्लोरीन सिंबल है इनकी कैपिटल सी स्मॉल एल अब अगर इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में पहले जान लेते हैं तो कुछ ऐसा कंडीशन है इनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनके पास कितने हैं एटॉमिक नंबर 17 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगेन न्यूट्रल स्टेट में जब तक है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की मात्रा बराबर होगी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 17 हो जाएंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 17 हो जाएंगे ठीक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देख लो 287 आएगा स्ट्रक्चर देखोगे अगर स्ट्रक्चर का फिर कंडीशन वही आएगा बच्चे तुम ध्यान से देखो ऑर्बिट्स बना दिए मैंने चलो कॉम्पिंग बनाना तो गोल गोल बनाना ठीक है अच्छा सर अब अगर यहां से देखो तो मैंने पहले ऑर्बिट पर टू रख दिया दूसरे ऑर्बिट पर एट रख दिया तीसरे ऑर्बिट पर, पर सेवन रख दिया स्टेबिलिटी के लिए क्या करना होगा एक इलेक्ट्रॉन गेन करना होगा तो क्या होगा कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट जहां भी सात है वहां एक और बढ़ जाएगा आठ हो जाएगा टोटल या फिर एक और चीज है कि आप सात इलेक्ट्रॉन लूज कर दो है ना सात इलेक्ट्रॉन को अपने ऑर्बिट से धक्का मार के बाहर निकाल दो जाओ यहां से निकलो भागो और दो ऑर्बिट्स के साथ रहो आपकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगी टेन टू और एट तो सेकंड ऑर्बिट पे एट ऑलरेडी है तो स्टेबल हो जाता एनर्जी वाइज आसान कौन सा काम है एक इलेक्ट्रॉन किसी से उधार ले लेना है ना एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेना तो क्लोरीन वही करता है क्लोरीन क्या करता है एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और जब क्लोरीन ऐसा करता है जब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो बनता है ये क्लोरीन आयन ठीक है क्लोरीन का आइटम चेंज हो जाता है क्लोरीन के आयन में और स्टेबल हो जाता है ठीक है बट जब ऐसा हुआ चार्ज क्यों लगा पहले सत्रह इलेक्ट्रॉन थे अब एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन गेन किया तो कितने हो प्रोटॉन पहले सत्रह थे अभी भी सत्रह प्रोटॉन थोड़ी गेन किया है तो पहले क्या हो रहा था बच्चे सत्रह माइनस सत्रह प्लस कट के जीरो बैलेंस हो रहा था अभी सत्रह प्लस सत्रह माइनस को बैलेंस कर रहा है बट एक इलेक्ट्रॉन अभी भी एक्स्ट्रा है तो एक निगेटिव चार्ज दिख जाएगी इधर ठीक है सो क्लोरीन या इसके जैसे और भी एलिमेंट्स जो हैं जो निगेटिवली चार्ज आयंस फॉर्म करते हैं वो इसी तरीके से आयंस का फॉर्मेशन करते हैं ठीक है गेन कब करेगा जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन हो तो एक गेन कर लेगा छह इलेक्ट्रॉन हो तो दो गेन कर लेगा पांच इलेक्ट्रॉन हो तो तीन गेन कर लेगा अब आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे तीन इलेक्ट्रॉन हो तो पांच नहीं गेन करने वाला वो तीन लूज करेगा है ना एट एसटीपी

कोई एटम किसी दूसरे के इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो क्या होता है पहले से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बराबर थी अब उसने गेन कर लिया तो उसके पास ज्यादा हो गए इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गई तो उस पर वो निगेटिव चार्ज दिखता है निगेटिवली चार्ज आयंस या अनायंस कहते हैं हम लोग उनको अब आपको याद होगा कट की जब मैं बात कर रहा था तो मैंने कहा था कि ऐसा नहीं होता कि सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है कि जाओ बेटा भटकते रहो रोल पे लवारस कुत्ते की तरह कि कोई मतलब नहीं कब होता है इज नेसेसरी कंडीशन और नेसेसरी कंडीशन क्या है कि सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है ये दोनों जब आसपास रहेंगी सोडियम विल बी रेडी जो हमारी स्टैंडर्ड एंड प्रेशर की जो हम लोग बात करते हैं हमारी जो कंडीशन हैं वो एडिक्वेट होंगी दैट सोडियम लूजेज द इलेक्ट्रॉन एंड एट द वेरी सेम टाइम क्लोरीन एक्सेप्ट दैट इलेक्ट्रॉन तब जाके सोडियम का आयन का आयन दोनों का फॉर्मेशन होता है और ये दोनों आयन चूंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण एक बॉन्ड बॉन्ड दैट इज एज आयनिक और इस आयनिक बॉन्ड से कंपाउंड बनता है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग होता है हमने अभी पहले एच टू वगैरह में जो पढ़ा ना जहां शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बन रहे थे कोवेलेंट बॉन्ड्स से कंपाउंड्स बन रहे थे उनसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं ये कंपाउंड्स इसी चैप्टर में एक छोटी सी टॉपिक के बाद हम लोग दोबारा आएंगे और पढ़ेंगे कि ये आयनिक कंपाउंड्स बनते कैसे हैं बट उसके पहले अभी एक और छोटी सी चीज आपको समझनी है जैसे मॉलिक्यूल्स में आपने पढ़ा ना मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स वैसे ही आयंस में भी आपको पढ़ना है आयंस ऑफ एटम्स एंड आयंस ऑफ कंपाउंड्स ठीक है यहां तक में कोई डाउट है तुम लोग को? कोई डाउट है तो कमेंट में पहले यस और नो लिखो डाउट है या नहीं डाउट है तो यस yes, नहीं है तो नो व्हाट्सएप ग्रुप में लिख रहे हैं क्या तुम लोग कमेंट बॉक्स में डालो यस और नो चलो हम आगे बढ़ते हैं सो वी हैव हैव सिंपल आयंस आयंस एंड वी कंपाउंड उनके बारे में समझते हैं बस इसी वाले पेज में खत्म कर देंगे तो उसको बहुत ज्यादा डीप जाना नहीं है उसमें या बहुत ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स है भी नहीं है ठीक है सो सिंपल आयंस आर जब एटम्स जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करें वो इलेक्ट्रॉन को गेन करें ठीक है तो उसको हम लोग सिंपल आयंस कहते हैं कौन कौन से होंगे लाइक ओ टू माइनस सी एल माइनस एन ए प्लस एम जी टू प्लस ये जो सारे के सारे आयंस आप देख रहे हो ये क्या है सिंपल आयंस है एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन किया और आयंस का फॉर्मेशन कराया ठीक है तो ये सिंपल आयंस हो गया आर कंपाउंड आयंस कंपाउंड आयंस की बात क्या हो रही है कंपाउंड आयंस क्या है उनको समझो कंपाउंड आयंस आर आयंस जहां पे आयंस का फॉर्मेशन तो हो रहा है बट एटम्स ने नहीं करा फॉर्मेशन ठीक है फॉर्मेशन कौन कर रहे हैं कंपाउंड कर रहे हैं लाइक like, एक है हमारे पास NH4 इसकी आयन ऐसे बनती है ठीक है एक है हमारे पास देखो CO3 कार्बोनेट आप जानते होगे नाम याद होगा आपको इसकी आयन ऐसे बनती है ठीक है दो निगेटिव चार्ज दिखाता है अनायन है ये NH4 कटायन है पॉजिटिव चार्ज दिखाता है तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि आयंस का फॉर्मेशन तो हो रहा है बच्चे बट ये आयंस का फॉर्मेशन हो कैसे रहा है कंपाउंड के थ्रू हो रहा है ये कंपाउंड आयन के फॉर्म में चेंज हो रहे हैं ये कंपाउंड एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन को या तो लूज कर रहे हैं या फिर गेन कर रहे हैं सो so दैट ये स्टेबिलिटी गेन कर सके ठीक है थीके? तो इस टाइप के जो आयंस है उनको हम लोग कंपाउंड आयंस कहते हैं सिंपल आइटम्स जो हैं उन्होंने अगर, अगर अपने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है या उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है एंड देन आयन का फॉर्मेशन किया है देन इट इज एज सिंपल आयन क्लियर है चलो मोस्ट अवेटेड चीज पे आ जाते हैं हम लोग आयनिक कंपाउंड पे आयनिक कंपाउंड क्या होता है फॉर्मेशन कैसे होती है फॉर्मूला कैसे लिखना होता है उसको हम लोग समझेंगे उसके बाद केमिकल फॉर्मूला के इंपॉर्टेंस को भी समझेंगे हम लोग बट उसके पहले एक अगेन छोटी सी चीज है उसको समझना होगा क्योंकि उसके बिना बात बन नहीं पाएगी फॉर्मूला की है ना वैसे आप देखोगे बुक तो शायद मुझे लगता है एनिक कंपाउंड्स पहले दिया है वैलेंसी बाद में दी गई है बट समझते हैं हम लोग पहले वैलेंसी को सो दैट आगे चल के जब फार्मूला लिखना सिखाएं तो वो चीजें क्लियर हो जाए है, है ना हालांकि आइनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन आप चाहे तो नोट कर सकते हैं वैलेंसी के बाद में वो लिखा दूंगा उसके बाद केमिकल फॉर्मूला पे आ जाएंगे सो बच्चे वैलेंसी क्या है वॉट इज वैलेंसी

टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट पार्टिसिपेट इन एन केमिकल रिएक्शन और दोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम कंपाउंडिपेट इनकल इज नॉन एज नंबर इज नॉन एज वैलेंसी फॉर एग्जाम्पल आप समझो इसको कैसे कह रहा हूं मैं लाइक like ऑक्सीजन की अगर हम लोग बात करें पांच मिनट और है ऑक्सीजन की अगर हम लोग बात करें ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर एट है बच्चे ठीक है ऑक्सीजन की अगर हम लोग बात करें सो ऑक्सीजन हैज एटॉमिक नंबर है ना अब ये जो ऑक्सीजन है इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कंफ़िगरेशन आप दिखाओगे तो ये क्या हो जाएगा टू एंड सिक्स आउटर मोस्ट ऑर्डर पे कितने इलेक्ट्रॉन हुए बच्चे इलेक्ट्रॉन्स हुए, थोड़ी देर पहले हम लोग देख रहे थे कि ऑक्सीजन का जो आयन बनता है वो कैसे बनता है ओ टू माइनस ओ टू माइनस का मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉन्स गेन करने हैं है ना और केमिस्ट्री इज वेरी सिंपल इस मामले में दो इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं ना तो ऑक्सीजन को अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को लगाना होगा कि जाओ तुम एक एक इलेक्ट्रॉन को को पकड़ के लेके आओ ठीक है क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है ना तो क्लोरीन को अपने एक इलेक्ट्रॉन को लगाना पड़ेगा कि जाओ एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ के लेके आओ ऐसा नहीं होने वाला कि क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और उधर से पांच को पकड़ के लेके आएगा ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन जाएगा उधर से दो को पकड़ के लेके आएगा ऑक्सीजन को अपने दो इलेक्ट्रॉन को भेजना होगा तब जाके वो दो इलेक्ट्रॉन को लेके आएंगे वो चाहे शेयरिंग करानी हो चाहे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कराना हो इन्वॉल्व तो होना पड़ेगा कितने को ऑक्सीजन के केस में दो को तो मैंने क्या कहा वैलेंसी इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटिंग इन एनी केमिकल रिएक्शन तो ऑक्सीजन एटम में ऑक्सीजन के दो इलेक्ट्रॉन ने केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया तो व्हाट वट द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन की वैलेंसी हो जाएगी हीलियम की बात करते हैं जरा है ना बड़ा बढ़िया सा गैस है ई है टू इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन करते हैं टू ऑलरेडी स्टेबल रिएक्शन की जरूरत ही नहीं है इसको ना इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ना इसको इलेक्ट्रॉन देना है तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते केमिकल रिएक्शन में जीरो करते ही नहीं है पार्टिसिपेट तो हम लोग जब बात करते हैं वैलेंसी की तो वैलेंसी क्या हो जाती है हीलियम की जीरो ठीक है तो साइड में डेफिनेशन लिख रहा हूं नोट कर लेना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी आइटम लिख लेना ठीक है तो किसी भी एटम के कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन में दैट नंबर इज नॉन एज वैलेंसी जीरो कर रहे थे जीरो एक कर रहे थे दो कर रहे थे दो, दो तीन दो तीन चार दो चार ठीक है इस तरीके से वैलेंसी गेन करता हूँ और ये वैलेंसी हमें दिखती है दैट वैलेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब आप केमिकल फार्मूलाज लिखते हो जब आप आइनिक कंपाउंड्स की बात करते हो तो ये सारी की सारी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आई थिंक आज मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा क्योंकि टाइम अप हो रहा है आगे पढ़ते हैं हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में